तो बहुत लोग पूछते रहते हैं आप कौन सा ऐप यूज़ करते हो वीडियो एडिटिंग के लिए। तो ये वाला ऐप यूज़ करता हूँ, VN। बढ़िया लगता है ये वाला ऐप वीडियो एडिट करने के लिए, बहुत आसान है इसमें वीडियो एडिट करना। I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck. तो अब टाइम हो चुका है 11:20 और अब करते हैं वीडियो एडिटिंग। तो बहुत लोग पूछते रहते हैं आप कौन सा ऐप यूज़ करते हो वीडियो एडिटिंग के लिए। तो ये वाला ऐप यूज़ करता हूँ, VN। देखो एक वीडियो भी एडिट हो रखी है इसमें। तो ये HD वाली वीडियो देख ली होगी आपने। बढ़िया लगता है ये वाला ऐप वीडियो एडिट करने के लिए, बहुत आसान है इसमें वीडियो एडिट करना। बस यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे जाओ, वीडियो सेलेक्ट करो। आज मुझे ये वाली करनी है ना। कहाँ से स्टार्ट है ये? यहाँ से स्टार्ट है। तो मोबाइल पे एडिटिंग करने के लिए ना पहले आपको ट्रांसफर में थोड़ा टाइम लगता है, फिर जब आप वीडियो ऐप में डालते हो ना तब भी ये प्रोसेसिंग में भी थोड़ा टाइम लगता है देखो। और ये एक क्लिप है, एक क्लिप में इतना टाइम लगता है। तो ये लगा लो 6-7 क्लिप बनती है तो सब में इतना इतना टाइम लगता है। तो अब हो चुकी है प्रोसेसिंग कंप्लीट। तो ये देख लो 11:50 की वीडियो है, 3-4 लगे इसे प्रोसेस होने में। अब सबसे पहले मैं इस 11 की क्लिप को एडिट करूंगा, फिर बाकी की क्लिप्स उसके बाद डालूंगा इसमें। और बाकी आईफोन के अलावा मेरे पे ये भी ऑप्शन है एंड्रॉयड का, पर वही इसमें ना इतनी स्मूथ नहीं चलती एडिटिंग। आईफोन में बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है, हो सकता है मेरा एंड्रॉयड में इतनी रैम वैम ज़्यादा नहीं है। और बाकी एक ऑप्शन ये भी है पर इसमें बहुत ज़्यादा झंझट है, अपना फ़ोन ही बढ़िया, इससे फटाफट हो जाता है। और ऊपर से इसमें आप कहीं भी एडिटिंग कर सकते हो, पर फ़ोन में एक दिक्कत होती है कि बैटरी ख़त्म हो जाती है। फिर जब बैटरी ख़त्म हो जाती है फिर वेट करना पड़ता है जब तक फ़ोन चार्ज नहीं हो जाता। और वहीं कंप्यूटर में ये बढ़िया रहता है कि डायरेक्ट कनेक्ट होता है तो उसमें बैटरी वैटरी का कोई झंझट ही नहीं है। जब तक वीडियो एडिट कर पा रहे हो करो, लेकिन मोबाइल में आपके पास थोड़ा ही टाइम होता है, मतलब जितनी बैटरी लाइफ होगी आपके मोबाइल की उतना टाइम होता है। अगर आपका मोबाइल 3 चल सकता है तो 3 का टाइम, 1 चल सकता है तो 1 का टाइम। पर जो ये वाला आईफोन है, ये आईफोन 7 है तो इसकी बैटरी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है, 1.5 के आसपास है मेरे ख्याल से अगर लगातार एडिट करूंगा तो। तो अब वीडियो एडिट कर लेता हूं, आपसे मिलता हूं बहुत देर बाद, 3-4 बाद। तो आज वो टेस्ट कर लेते हैं कि मोबाइल में कितना टाइम लगता है वीडियो एडिट करने में। ये लगा लो 9-10 की वीडियो। अभी देख लो, अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो अब देखते हैं हमारी वीडियो कब तक एडिट होती है। तो अब आपसे मिलता हूं वीडियो एडिट होने के बाद। तो अब टाइम 4:00 और वीडियो मेरी अभी तक एडिट नहीं हुई है। वैसे वीडियो तो एडिट हो गई है, बस थोड़ा बहुत टचअप बचा है उसमें, बाकी तो सब काम मैंने कर दिया है। और टचअप के साथ साथ एक्सपोर्ट करनी रह रही है, तो एक्सपोर्ट करने में भी लगा लो टाइम लगता है 1/2 के आसपास। और बीच में मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी जब मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करी थी ना, उस टाइम मेरे फ़ोन में 60% बैटरी थी। तो 1 मैंने लगातार एडिटिंग करी, उसके बाद बैटरी ख़त्म हो गई थी, फिर चार्ज किया 50-60% दोबारा चार्ज किया, फिर एडिटिंग करी। तो मेरी ना 2:30 हो गई थी वीडियो एडिटिंग कम्प्लीट, बाकी अभी हल्का हल्का सा टचअप बचा है 2-3 का, और एक्सपोर्ट करनी बची है। तो इतना ही टाइम लगता है एक वीडियो को एडिट करने में, अंदाज़ा लगा लेना इस हिसाब से। अगर आप मोबाइल में एडिट करते हो या फिर एप्पल के किसी सस्ते से फ़ोन में एडिट करते हो, हाँ लेकिन अगर आपके पास थोड़े लेटेस्ट आईफोन है ना जिनकी बैटरी थोड़ी ज़्यादा चल जाती है तब आपके लिए बढ़िया है, जल्दी वीडियो एडिट हो जाए करेंगे आपकी। स्कूटी पीछे से देखने में कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है यार, एकदम साफ़ सुथरी चमक रही है। अभी वहाँ जा रखे थे हम ड्रैग रेस कर रहे हैं, तो वो वीडियो शायद आपने देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो आ जाएगी कुछ दिनों में, देख लेना। ये नया कंटेंट स्टार्ट किया है मैंने ड्रैग रेस का, बाकी अभी पता नहीं है इसे कंटिन्यू करूँगा या नहीं करूँगा। बाकी मज़ा तो आया वैसे वीडियो बनाने में, इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इस वीडियो को बनाने में ड्रैग रेस वाली, क्योंकि ड्रैग रेस जो होती है वो छोटी सी होती है कुछ मीटर की, लंबी रेस में वो थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए तो रोड चाहिए खाली और ऊपर से इतनी हिम्मत चाहिए टॉप स्पीड पहुंचाने की। तो चलो अब आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूं, अभी मुझे बाहर भी जाना है, घर जाके वो पहन लेता हूं शर्ट या फिर जैकेट, क्योंकि ऐसे सही नहीं रहता बाहर जाना, गिर गया ना तो हाथ छिल जाएंगे, ऊपर से टैनिंग होगी वो अलग। तो इसी के साथ निकल चुका हूं मैं घर से, और अभी टाइम हो रहा होगा 5:25 या 5:20, निकलते हैं फटाफट। मेरे को जाना है साउथएक्स, और मौसम देख लो काले काले बादल हो रखे हैं, पर जमीन में तो अभी धूप हो रखी है। ओह
क्लोज कॉल। तो हमारे यहाँ रोडों पे ना कभी भी कुछ भी आ सकता है। देखो वॉल्वो की गाड़ी खड़ी है, XC40, क्या बढ़िया लग रही है। यहाँ पे रोड पे ये देखो, जिस इंसान को इस वाले एरिया में गाड़ी चलानी आ गई ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में गाड़ी चला सकता है। जो संगम विहार में रहते होंगे ना, उन्हें पता होगा इस चीज का। इतनी पतली गलियां, इतने उबड़ खाबड़ रास्ते, फिर भी हम ऐसे रास्तों से रोज अप डाउन करते हैं। देखो इधर भी कुछ कुछ हो रहा है, और रोज इन रास्तों से अप डाउन कर करके हम अपनी गाड़ियां तोड़ते हैं। जिसे लोग ऑफ रोडिंग बोलते हैं ना, वो हमारा नॉर्मल रास्ता होता है इधर उधर जाने का, उसी को इंग्लिश में ऑफ रोडिंग बोल दिया जाता है। और अब तो फिर भी ठीक हो गए, जब हम छोटे थे ना उस टाइम तो इतने बेकार रास्ते थे, इधर तो फिर भी ठीक है, इतने नहीं है। मतलब इतने क्या, ये 100 में से 2% होगा बस। इधर देखो कितने सारे डॉगी घूम रहे हैं, सारे ब्लैक, और आगे भी आ चुके हैं थोड़े बहुत। ये देखो, ओ भाई ओ भाई, बारिश में भीगने के बाद ना यार स्कूटी बहुत ज़्यादा टाइट टाइट चलने लग जाती है, पता नहीं क्यों। अभी 2-3 दिन पहले मैं इसे लेके बारिश में इतना भीगा, क्या कहते हैं, लाजपत नगर तक गया, फिर लाजपत नगर से वापस आया भीगते, ये लगा लो 3-4 घंटे मैंने बाइक चलाई, स्कूटी चलाई, और 3 घंटे बारिश हो रही थी, वो भी तेज बारिश में। तो हमारे यहाँ बहुत पानी भर जाता है, आधी स्कूटी डूब जाती है, इतना पानी भर जाता है। और वैसे स्कूटी ने कभी दिक्कत नहीं दी है, बारिश में भी पानी भर जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं देती है, मस्त चली जाती है इधर उधर। तो यहाँ पे आ चुका है मंदिर, जय बजरंगबली। और मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज भी मैं बारिश में भीगने वाला हूँ। धूप भी जा चुकी है और घना अंधेरा हो गया है। बस फटाफट मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊँ, उसके बाद तो देखी जाएगी। कैमरा भी अंदर रखना पड़ेगा बारिश आ गई तो। वैसे स्कूटी में ये फायदा है, डिक्की में डाल दो कैमरा, एकदम सेफ रहता है बारिश से भी, हर चीज से। चाहे कितने भी घंटे बारिश में भीग लो, पर डिक्की के अंदर पानी नहीं जाता। और आज स्कूटी की टंकी में भी तेल डलाना है, आधी हो चुकी है इसकी टंकी। और पेट्रोल के साथ साथ हवा भी डलवा लूंगा इसमें, क्योंकि हवा को भी हो गया है, 3-4 हफ्ते तो हो चुके हैं। और हवा कम होते ही ना सब कुछ गड़बड़ हो जाती है स्कूटी में, माइलेज कम हो जाती है, पावर कम हो जाती है, स्मूथनेस कम हो जाती है। ओ भाई क्या बढ़िया लग रहे हैं अलॉय। ओहो यार, अब तो थोड़ी बहुत आंधी भी चलने लग गई है। हे भगवान, थोड़ी देर और रोक लो इस बारिश को, उसके बाद कर लेना जितनी बारिश करनी है, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। तो अब आ चुका हूँ मैं अपने फेवरेट रोड पे। यहाँ पे स्कूटी चलाने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ जाता है, पता नहीं क्यों। वैसे तो पता है मुझे क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेड़ वेड़ बहुत ज्यादा है ना, और रोड भी स्मूथ है और खाली खाली रहता है। That's why I love to ride scooty on this road. और इसी के साथ वो भी ऑन कर लेते हैं हेडलाइट, वरना अंधेरे में सामने वाले को दिखेगा नहीं, अंधेरा भी हो चुका है ना। अब खुद ही देख लो आप क्यों ये रोड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फुल कर दो, हाँ ऑटो कट तक, प्रीमियम वाला। हाँ तेल तो है ही, 150 का कर दो। तो तेल तो डलवा दिया है, फुल करा दिया, 150 रुपये में हुई है इसकी टंकी फुल। इस वाले पेट्रोल पंप में ना जब एक डंडी नीचे भी रहती है सुई, तब भी ये वो दिखा देता है कि फुल है, जो इसका ऑटो कट है। नहीं तो जो और पेट्रोल पंप है ना, वो थोड़ा और ऊपर में दिखाते हैं ऑटो कट। ओ भाई एम्बुलेंस फंस रखी है बेचारी, बहुत ही गंदा जाम लगा है उधर तो। ये लगा लो 15 मिनट तो खड़ी रहेगी वो एम्बुलेंस, 15 मिनट से पहले नहीं निकल पाएगी, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर कम से कम 15 मिनट तो लगते ही है। बाकी अपनी हवा और पेट्रोल हो चुका है परफेक्ट, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी की तरह। अब चलते हैं, बारिश भी आने लग गई है, बूंदाबांदी हो रही है, मेरे चश्मे में बूंद बूंद टपक रहे हैं, इसलिए अब गोप्रो को रख देते हैं अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है, ख़राब हो जाएगा तो मैं झेल नहीं पाऊँगा इसका दर्द। जल्दी जल्दी चलो भैया, हमारा गोप्रो भीग रहा है, तो चलो जब बारिश बंद हो जाएगी तब मिलता हूँ।